बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुसीबत थमती नहीं दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एल्विश यादव ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उन्होंने सांप का जहर ऑर्डर किया था। एल्विश ने नोएडा में आयोजित रेव पार्टी में सांप का जहर मांगा था। आपको बता दें कि एल्विश यादव को रविवार शाम हिरासत में लिया गया। नोएडा पुलिस ने सांप के जहर से जुड़े मामले में एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर कोर्ट से एल्विश को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी। कोर्ट ने नोएडा पुलिस की मांग को हरी झंडी दे दी और एल्विश को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इस दौरान एल्विश के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, एल्विश ने इस केस से जुड़े कुछ और लोगों के संपर्क में होने की बात भी कबूली है। पिछले कई महीनों से एल्विश का नाम सांप के जहर मामले में सामने आ रहा था, लेकिन एल्विश ने शुरू से ही इस बात से इनकार किया है। हालांकि अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में जाने के बाद एल्विश ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। एल्विश ने स्वीकार किया कि उसने रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से अभी तक इस पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। 8 नवंबर 2023 को एल्विश यादव नोएडा में एक रेफ पार्टी में पहुंचे थे, जहां उन पर सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा था। यह मामला सामने आने के बाद एल्विश कानून के शिकंजे में फंस गए और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वह जेल जाएंगे। सांप के जहर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एल्विश ने सांप के जहर की सप्लाई करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में IFSA जांच रिपोर्ट में भी सांप का जहर होने की पुष्टि हुई। FSL रिपोर्ट आने के बाद से ही एल्विश पर संकट के बादल मंडरा रहे थे।